झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी शनिवार को कोल्हान से अपनी चुनावी जनादेश यात्रा का आगाज करेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश राय ने बाबूलाल मरांडी से चुनाव की रणनीति को लेकर के खास बात की। झारखंड में सियासत का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा, ये तो विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से सियासी गर्माहट बढ़ गई है, इसे लेकर दिलचस्पी भी लोगों को बढ़ गई है। हमारे साथ राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। बाबूलाल जी, कल से आप जनादेश यात्रा पर निकल रहे हैं और कोल्हान से ही निकल रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री आज जनादेश यात्रा पर हैं। क्या कहेंगे, कैसी रहेगी यात्रा आपकी? देखो, यात्रा तो मैं लगातार करते ही रहता हूँ, मैं यात्रा पर ही रहता हूँ। अगर सच कहा जाए तो मेरा जीवन ही एक यात्री का ही है, जो कि इस समय विशेष इसलिए जो कि चुनाव है और चुनाव का वक्त है, तो हमें लगा कि सबसे अधिक समय तक अगर इस राज्य में जहाँ से जो मुख्यमंत्री रहे, अगर उसको कुल मिलाकर के देखेंगे तो कोल्हान से रहे। मैंने 19 वर्षों के जो ये राज ने क्या कहते हैं झारखंड जो बना, तो 19 वर्षों में कुल मिलाकर के 28 महीनों तक हम सीएम थे, और हमें लगता है कि 2 साल एक करीब हेमंत और शिव सोरेन दोनों मिला के रहे होंगे। तो ये 4-5 साल अधिक से अधिक इधर बात कर दीजिए, और बुआ पूरे के पूरे 14 साल तक इस झारखंड में कोल्हान से ही मुख्यमंत्री रहे। और कोल्हान की क्या हालत है, गांव में कैसे लोग जीते हैं, किस प्रकार से हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अब पीड़ा क्या है, कौन कौन से बातों को लेकर झारखंड पिछड़ गया है? देखिए, आप झारखंड में जो पीड़ा सब है, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, रोजगार का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसे कह सकते हैं झारखंड अव्वल हुआ या नेशनल औसत में भी कोई दिखाई पड़ रहा हो। और ये बीजेपी को इस बात की अच्छी तरह से पता है, तभी मुख्यमंत्री पिछले कई एक दिनों से, जो 5 साल तक हमने कभी नहीं देखा कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से घूमता हो, अपनी टाटा तक सड़क मार्ग से नहीं जाते थे, हेलीकॉप्टर से ही जाते थे घर पे, लेकिन आज वो व्यक्ति सड़क मार्ग से घूम रहा है। विपक्ष में थोड़े बिखराव जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन समय रहते वो भी शायद एक पटरी पर नजर आएंगे। लेकिन दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया है कि आज क्या जरूरत पड़ी, जब उपलब्धियों वाली सरकार है तो वो सड़क सड़क, गांव गांव, गली गली घूम रहे हैं।